Yes, so hey students, now it's question number 15 of exercise 2.5. Hanji, give possible expressions for the length and breadth of each of the following rectangles. Dekhiye, areas hame given hai. Obviously, area of rectangle kya hota hai? It is equal to, area is equal to L into B. That means aapke jo factors banenge, wo L into B aapko into karke aa jayenge. To isme hamare paas jo ek area ki figure given hai, that is a trinomial. ठीक है, इट्स अ ट्राइनोमियल 25a² - 35a + 12. ठीक, अब इसे हमें नेचुरली फैक्टराइज करना है तो हमारे पास हम कुछ मेथड्स फॉलो करते थे, जैसे कि आप कॉमन लेके कर सकते हो, लेकिन तीन जो ट्राइनोमियल होता है उसमें कॉमन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? फिर हम देखते थे कि क्या हमारी कोई आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म तो ठीक है परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन जो थर्ड टर्म है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यूजिंग एन आइडेंटिटी. तो अब हम देखते हैं कि क्या हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के लिए जो हमारा सेंटर वाली टर्म होती है द मिडिल टर्म विद साइन, हम उसे नाम दे देते हैं सम का. ठीक है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म विद साइंस हम उनको मल्टीप्लाई करके क्या नाम देते हैं, प्रोडक्ट का. तो अभी ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें, जिन्हें हम इनटू करते हैं, तो वी आर गेटिंग +300a² और जब आप सम कर रहे हो, ठीक है, तो वी आर गेटिंग -35a. तो क्या ऐसे कोई दो नंबर्स हैं, दे आर -20a और -15a. तो हमारे पास देखो कैसे लिखा मैंने यहाँ पे 25a² - 20a - 15a + 12. अब ये दो कॉमन ले लिए और इन दो ग्रुप, इसका एक ग्रुप बना दिया. फर्स्ट ग्रुप में से आई हैव कॉमन एज 5a, तो आई एम लेफ्ट विद 5a - 4. अब इसमें से आई एम टेकिंग -3 एज कॉमन, तो मेरे पास ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट जो है वो सेम आनी चाहिए. सो इन द एंड आई एम गेटिंग 5a - 4 × 5a - 3. तो ये आपकी लेंथ बना देगी और ये बना देगी ब्रेथ. ठीक है जी, अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट है हमारा 35a² + 13y - 12. सेम चीज है, कॉमन हम ले नहीं सकते, आइडेंटिटी हम यूज नहीं कर सकते, एंड आपको रीजंस मैंने फर्स्ट पार्ट में दिए हैं. तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही करनी है, जिसमें हमारा सम जो है वो बन रहा है +13y और प्रोडक्ट हमारा बन रहा है -420y². तो आई गॉट द नंबर एज, क्योंकि यहाँ पे सम प्लस में है और प्रोडक्ट माइनस में है, दैट मीन्स वन ऑफ द नंबर विल बी प्लस एंड वन ऑफ द नंबर विल बी नेगेटिव, एंड द नंबर विच हैज गॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू हायर वो हमारा प्लस बनता है, क्योंकि यहाँ पे सम प्लस में है. सो आई गॉट द नंबर एज 28y and 15y. 15 is with negative. So 35y² + 28y - 15y - 12. अब हमने एक ग्रुप ये बना लिया और एक ग्रुप ये बना लिया. इसमें से हमारे पास कॉमन आया 7y. जब 7y हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आई एम लेफ्ट विद 5y + 4 और यहाँ पे आई एम टेकिंग कॉमन एज -3. तो आई एम गेटिंग द सेम ब्रैकेट 5y + 4. ठीक है, 5y + 4 × 7y - 3. तो ये हमारी बन गया लेंथ और ये बन गया ब्रेथ, जो भी हमें रेक्टेंगल गिवन था. इज इट क्लियर? यस. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन. ये सेम क्वेश्चन हमने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, इस पहले. हाँ, हो सकता है बेटा, क्योंकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आया होगा क्वेश्चन. इट यू आर वेरी मच करेक्ट, हो सकता है क्वेश्चन आया हो. ठीक है, चलिए अब हमें क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम इज. अब क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है ना, वो कैसे होती है बेटा? L × B × H. ठीक है, तो हमारे पास तीन फैक्टर्स बनेंगे और उसमें से फर्स्ट फैक्टर विल बी योर लेंथ, सेकेंड विल बी योर ब्रेथ, एंड द थर्ड विल बी योर हाइट. अब देखते हैं कैसे. देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 3x² - 12x. अब हम कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये तो एक बाइनोमियल टर्म है जिसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 3x. अब 3x मैंने कॉमन लिया, इसके पास क्या बचा? x, और इसके पास क्या बचा? 4. तो अब मेरे पास तीन टर्म्स आ गई, 3 × x × x - 4. तो लेंथ क्या बना? 3. ब्रेथ क्या बना? x. और हाइट क्या बन गई? x - 4. इज दैट क्लियर? यस बेटा, यस.
अब हमारा है सेकेंड पार्ट, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज है. क्या है क्वेश्चन? 12 ky² + 8 ky - 20 k. तो सबसे पहले देखो, अगर आप ध्यान से देखो, इन सब में कॉमन है 4, ठीक है, साथ के साथ k. तो मैंने पहला कॉमन जो ले लिया दैट इज 4k, एंड आई एम लेफ्ट विद, मेरे पास ब्रैकेट में क्या बच रहा है, 3y² + 2y - 5. अब ये एक ट्राइनोमियल है जिसे हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना. 4 3 = 12 4 2 = 8 4 5 = 20. यस, ठीक है ना, बिल्कुल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको अब सॉल्व कर देंगे. हमें चाहिए सम है हमारा प्लस 2y और प्रोडक्ट है हमारा -15y². तो हमने क्या किया, 5 3 = 15 होता है, अगर आपको प्लस में चाहिए तो 5 प्लस में होगा, 3 माइनस में होगा. सो 3y² - 3y + 5y - 5. ठीक है बेटा, अब हमने इसको एक ग्रुप बना लिया और इसको ग्रुप बना लिया. इससे कॉमन मेरा आ रहा है 3y - 1, यहाँ पे मेरा 5 कॉमन आ रहा है y - 1. सो दैट मीन्स दिस 4k जो है इसने बना दी लेंथ, y - 1 क्या बन गया ब्रेथ, और 3y + 5 क्या बन गई हाइट. ठीक है जी, तो इससे हमारे क्यूबॉइड के सारे एक्सप्रेशंस आ गए, एंड विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर एक्सरसाइज 2.2 एंड अलोंग विद दैट द चैप्टर. मैम 14 के मैम बी पार्ट का मैम आंसर मैम 16380 कैसे आया? बच्चे अभी दिखा देती हूँ, बेटा एक सेकंड रुकना. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया, 16th क्वेश्चन, इट इज क्लियर?